वर्ल्ड का बेस्ट राइस मिल जो आप अभी आपके सामने है 670 है। हमारा नीचे में एक साइक्लोन लगा होता है इसमें, ये साइक्लोन जो है आपके जो कह सकते हैं डस्ट होता है या जो कचरा है या समय के साथ रेट को कम करने के लिए अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा रेट जो है हम लोग का इधर साइड से निकल जाएगा, जो बड़ा चावल होगा वो आगे से निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि भी आपका चावल हो सभी प्रकार के चावल वन टाइम प्रोसेसिंग होगा, एक बार में आपको। टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं फायदा होता है लोगों का, किसान का फायदा होता है। स्पेयर पार्ट A to Z स्पेयर पार्ट आपको अवेलेबल रहता है इसका। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज एक ऑफिस है भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज में और यहाँ पे मशीनों का काफ़ी विशाल रेंज है। दोस्तों अभी धान कटने के कगार पे है तो उसी के सिलसिले में अभी देख सकते हैं ये है राइस मिल। दोस्तों अगर आप अपने गाँव शहर में राइस मिल लगाना चाहते हैं तो कौन सा राइस मिल लगाया जाए जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो, मेंटेनेंस काफ़ी लो हो, A to Z जानकारी वीडियो में कवर करने वाले। देख सकते हैं ये अभी प्रॉपर दो मॉडल में इस तरह से लगा हुआ है। चलिए ज़्यादा जानकारी के यहाँ के ऑनर गुप्ता जी से मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि इस मिल को लगा करके और महीने का कितना कमा सकते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी, बताइए सर। गुप्ता जी अभी जानते हैं कि धान का सीजन आ चुका है, जी बिल्कुल, कटने के कगार पे है। जी जी, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि राइस मिल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इसी के सिलसिले में आज हम आपके यहाँ आए हैं, हमारे को बताइए। राइस मिल तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट राइस मिल जो आप अभी आपके सामने है 670 है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि 4 साल से हम लोग इस मशीन को सेल कर रहे हैं और बहुत सारे हजारों कस्टमर को हमने दिया है। इतना बढ़िया रिस्पांस है इसका, इतना बढ़िया ये चलता है, इतना आसान इसका ऑपरेटिंग है कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। राइस मिल का अभी सीजन आ चुका है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक सीजन में इसके लागत के 4 गुना जो है आदमी आराम से कमा सकता है। एक सीजन में अगर लोग लगाता है तो सेम सीजन में ही लगभग लागत का 4 गुना कमा सकते हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि राइस मिल का सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर इस मशीन का क्या होना है। देखिए इस मशीन को मल्टी वर्कर आप कह सकते हैं, मल्टी फंक्शनल है ये। इसमें तो आप धान की कुटाई करते ही है करते, उसके बाद इसमें आप गेहूं की भी सफाई कर सकते हैं और गेहूं की सफाई करते हैं तो बहुत अच्छे क्वालिटी गुणवत्ता के साथ सफाई हो रही है। उसके बाद चाहे तो आप इससे दाल की भी छटाई थोड़ी बहुत कर सकते हैं, खाने योग्य हो जाता है, बेचने योग्य नहीं लेकिन खाने योग्य इसमें दाल की भी छटाई हो जाती है। तो कह सकते हैं मल्टीपल वर्क इससे किया जा रहा है इसमें सेम काम करने के लिए। जी एक चीज जानना चाहेंगे, इसको 670 बोलते क्यों हो, पहले ये बताइए। तो ये इसका साइज का जो है कि होता है कि 670 जो इसका 70 साइज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेक्शन 14, ये इसका 14 साइज होता है, जो चेम्बर का साइज है ना उसके हिसाब से 70। अब 600 जो हमारा वो पीछे वाला मशीन है उसका चेम्बर का साइज और बड़ा होता है, तो इसके चेम्बर के साइज को 70 का जो साइज हुआ, इसका 40 का साइज हुआ, जिसके चेम्बर का जितना साइज होता है ना उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है पहले से ही। तो ये आगे से जहाँ से आता है उसी हिसाब से नाम रख के आता है, लोग वही बोलने लग जाते हैं। ये सारी मशीनें इंपोर्टेड मशीन होती है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत सुंदर है। स्पेयर पार्ट A to Z स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल रहता है इसका, कोई स्पेयर पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसमें स्पेयर पार्ट्स के नाम पे खाली जाली का ही जरूरत पड़ता है, बाकी शाफ्ट वगैरह अगर देखेंगे तो शाफ्ट वगैरह तो लोग अगर कभी लंबे समय 2-3 साल में खियाता है तो लेथ पे आराम से बन जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, रिपेयरेबल है। इसी में हमारा 614 है, अगर कोई सिंगल फेज पे लेना चाहते हैं तो 614 ले सकते हैं। ये मशीन भी काफ़ी खूबसूरत और अपने साइज में खाली छोटा है, बाकी वर्क में दोनों सेम है। इसमें भी आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, धान से चावल कूट सकते हैं, आप चाहे तो इससे आप दाल कूट सकते हैं, आप चाहे तो गेहूँ की सफाई कर सकते हैं। 3 HP पे ये मशीन आती है, 3 HP में सिंगल फेज में चलने वाला है, वहीं पे आप इसको चाहे तो 7.5 HP और 10 HP में चला सकते हैं। बिल्कुल जी, प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन क्या होने वाली है? प्रोडक्शन की बात है तो 617 राइस मिल को अगर 10 HP मोटर पे चलाते हैं तो बेहतर प्रोडक्शन आपको लगभग 6.5 क्विंटल के आसपास, 650 किलो के आसपास रहने वाला है एक घंटे में। वहीं अगर आप ट्रैक्टर पे चलाते हैं, इंजन पे चलाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जैसा आपका ताकतवर इंजन रहेगा, बाकी 7.5 HP के मोटर पे चलाते तो लगभग 550 किलो तक का प्रोडक्शन इसमें मिल जाता है बहुत आसानी से। बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिसको जो इसको ट्रैक्टर से भी चला रहे हैं, इंजन से भी चलाते हैं, होंडा से चलाते हैं, 7.5 HP की मोटर से चलाते हैं। ये मशीन बहुत सुंदर है, किसी भी अवस्था में किसी भी स्टेटस में ये मशीन चलता है। वहीं पे बात करेंगे आपका 3 HP जो हमारा राइस मिल है, इसमें लगभग 200 किलो का प्रोडक्शन आता है, 150 से 200 किलो प्रोडक्शन आपको प्रति घंटा इसमें आराम से मिल जाता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, जिनको छोटा कारोबार है, सिंगल फेज की मशीन ले रहे हैं
तो जिनके यहाँ 3 फेज की कनेक्शन नहीं है उनके लिए बेस्ट है, या फिर कम लागत में काम करना चाहते तो भी बेस्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन इसका भी घंटे में बहुत अच्छा है। पहले के तुलना में जो मशीन आती थी, पहले की जो बड़ी बड़ी मशीन होती थी 10 HP में चलती थी, वो घंटे में लगभग 100 किलो का प्रोडक्शन दे रहा है। 3 HP की मशीन है वो घंटे में आपको 100 किलो का प्रोडक्शन दे रहा है। 3 HP 100 किलो नहीं सर, ये 150-200 kg का प्रोडक्शन देता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पहले के 10 HP की मशीन 100 किलो प्रति घंटा जो है कुटाई करती थी। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं फायदा होता है लोगों का, किसान का फायदा होता है। तो हमेशा समय के साथ अपग्रेड लाना जरूरी है। 670 राइस मिल इस सीजन में जो लोग लगाना चाहते हैं वो लोग आराम से लगाइए। बहुत ही सुंदर आकर्षक ऑफर के साथ, आकर्षक रेट के साथ आपको पूरे ऑल इंडिया में डिलीवर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्वालिटी बहुत मैटर करता है। रेट के साथ साथ अगर आपको क्वालिटी मिले तो मज़ा है। आप ये ना सोचें कि मैं MP से हूँ, UP से हूँ, राजस्थान से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, आप कहीं से भी है, हमारा पूरे ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट फ्री रहने वाला है। पूरे ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट फ्री रहता है। दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी भी रहता है। तो आपको घबराना नहीं है कि हाँ हम ले रहे हैं तो क्या पता पैसे डालें तो ले वहाँ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भारत मशीनरी का ऑथेंटिकेशन काफ़ी लंबे समय से है, हम लोग काफ़ी लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। विश्वसनीयता हमारी सबसे अव्वल है। लोग पल्वराइजर किंग के नाम से आज पुकारते हैं क्योंकि हमने सैकड़ों मॉडल रखा है पल्वराइजर की, एक से एक पल्वराइजर में हमने ये किया है। तो उसी हिसाब से आपको विश्वसनीयता यहाँ पूरा है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो उसके लिए हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी रख रखे हैं कि मशीन जब आपके दरवाजे पे पहुँचे तो आपको पैसे देना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस क्या होने वाला है? मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक जाली का मेंटेनेंस है, जो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कह सकते हैं कि आप 1-2 महीने जैसा चलता है उसके हिसाब से इसका जाली टूटता है। तो एक जाली का मेंटेनेंस है, जाली आराम से इजी अवेलेबल है, हमेशा हमारे पास स्पेयर पार्ट में अवेलेबल रहता है, कहीं से भी है। ऑल इंडिया में सेम साइज की जाली मिलती है, आप कहीं अपने लोकल से भी ले सकते हैं या फिर आप कुरियर से हम पूरे ऑल इंडिया में आपको जाली पहुंचा के देते हैं। जाली लगाना कितना आसान है? जाली लगाना सर एकदम आसान है। यहाँ से दो जो है कि नट खोलना है, इसको खींचेंगे जाली बाहर आ जाएगी, फिर जाली लगाएंगे और इसको जो है कर देना है। यहाँ से हमारा पॉलिशर है, आपको कितना चावल को उजला रखना है, कितना क्लीन करना है, उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट करके और आप अपना जो है पिसाई कर सकते हैं। कितने तरह का चावल मतलब धान से निकाल सकते हैं? अरवा हो या उसना हो, चाहे कोई भी आपका चावल हो, सभी प्रकार के चावल 1 time प्रोसेसिंग होगा। एक बार में आपको बिल्कुल क्लीन चावल मिलने वाला है, जो उसके साथ ब्रांड आएगा, खुद्दी आएगा उसमें। इसमें छोटा सा आपको डिस्टोनर भी लगा हुआ है, सेपरेटर लगा हुआ है। जो खुद्दी होगा वो आपका इधर साइड से निकल जाएगा, जो बड़ा चावल होगा वो आगे से निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आराम से आपका इसमें सभी प्रकार की धान जो है 1 time प्रोसेसिंग इसमें आपको हो जाने वाला है। कंटिन्यूस इसको कितना घंटे चला सकते हैं? देखिए मिनिमम इसमें घंटे का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से चाहे तो 2400 घंटा चलाइए, कोई परेशानी नहीं है। बस आप जितना चलाएंगे उतना इसका जाली टूटता है। आप 10 दिन में 10 घंटा चलाइए, एक दिन में 10 घंटा चलाइए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जितना चाहे चला सकते हैं, जितना आपके पास जो है धान आता है सबको कूटिए और एक सीजन में एक मैं कहता हूँ 4 नहीं आप 10 गुना इसका लागत का कमाइए। अच्छा मौका होता है जो लोग मशीन लगा रखे पहले से, चाहे वो पत्थर वाली लगा रखे हो या पल्वराइजर लगा रखे हो। गेहूं छटाई आज के टाइम में सबके यहाँ होता है क्योंकि कोई भी लोग जो है गेहूं को अब धो करके जल्दी पिसाने के लिए नहीं लाते हैं। ऐसी मशीन उनके पास होना चाहिए ताकि वो गेहूं के डंठल कंकड़ वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह है इससे हॉलर करके एक साफ सुथरा गेहूं लेकर के फिर आटा पीसे कस्टमर को देते हैं। तो वैल्यू भी ऐड होती है, साथ में उनसे पैसा भी वो कमाते हैं। तो ये करना चाहिए। प्रोसेस बताइए थोड़ा, कैसे ये मतलब निकालती है, कैसे कैसे क्या? देखिए यहाँ से गेहूँ आप कह दीजिएगा, गेहूँ साफ करना तो गेहूँ या फिर धान डालना तो धान। धान जैसे ही यहाँ से डालेंगे, यहाँ से फिर हमारा हॉपर के अंदर ये चेंबर के अंदर जाता है, चेंबर से ये जाली से कुटाई करके हमारा नीचे में एक साइक्लोन लगा होता है इसमें। ये साइक्लोन जो है आपके जो कह सकते हैं डस्ट होता है या जो कचरा है उसको वहाँ से खींच के साइक्लोन के माध्यम से यहाँ से आपको आराम से साइक्लोन से नीचे निकाल देगा। उसके बाद जो फ्रेश चावल होगा या फ्रेश गेहूँ जो भी आप निकालते हैं, फ्रेश चावल यहाँ से नीचे ये सेपरेटर से यहाँ से नीचे गिरेगा। जो खुद्दी होगा यहाँ से खुद्दी जो है नीचे करके ये साइड से खुद्दी निकल जाएगा और फ्रेश चावल आपको यहाँ से बाहर मिल जाएगा। बहुत इजी ऑपरेट है, बहुत आसानी से चल जाती है और कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि क्वालिटी हम लोग देते हैं। क्वालिटी बहुत मैटर करता है, हम लोग अच्छे क्वालिटी की मशीन बनाते हैं ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो। ये सब चीज़ें देख करके, मापदंड करके तब जरूर मशीन परचेज करें। बिल्कुल।
इसमें टोटल कितने मॉडल आता है सर? इसमें हमारा जो 617 है, इसमें एक 617 प्रो आता है जिसमें एलिवेटर लगा रहता है, डिस्टोनर लगा रहता है। 617 प्रो मैक्स में हमारा एक एलिवेटर लग जाता है, तो 617 प्रो मैक्स भी ले सकते हैं, 617 भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें भी एलिवेटर लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारा इसमें फंक्शन है और जब आप बात करेंगे तो उसमें अलग अलग मॉडल है, सारी आपको भेज दी जाएगी। छोटा में भी वही है, आप चाहे तो इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी एलिवेटर मॉडल आता है, लेकिन आप ये छोटा मशीन बिना ऐसे ही बहुत अच्छा चलता है। बाकी कोई अगर लेना चाहता है तो मिनिमम पूंजी कितना लगा करके यह लगा सकता है? देखिए राइस मिल हमारे यहाँ से 20,000 से 25,000 रुपए से भी चालू हो जाती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं तो 45,000-50,000 रुपए लगाइए, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 85,000-90,000 लगा सकते हैं। अलग अलग सबका रेंज है, आप कॉल करिए, पूरी जानकारी लीजिए तसल्ली से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखिए मशीनों को, फोटो देखिए, रेट समझिए और लोगों से कंपेयर करिए। देखिए मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ रेट तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक गुणवत्ता की जो एश्योरिटी होती है वो मिलेगा, क्योंकि भारत मशीनरी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही है। इसका फ़ायदा डायरेक्ट कस्टमर को मिलने वाला है कि हम लोगों ने क्वालिटी कॉन्स्टेंट रखा है, क्वालिटी को आप कह सकते कंप्रोमाइज़ नहीं किया, समय के साथ रेट को कम करने के लिए अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा रेट जो है हम लोग कस्टमर को आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट फ्री रहता है, उसका फैसिलिटी आपको मिलेगा पूरे ऑल इंडिया में, और कैश ऑन डिलीवरी आपको पूरे ऑल इंडिया में फ्री मिलेगा। बिल्कुल, लेने का प्रोसेस बताइए शॉर्टकट कैसे? लेने का प्रोसेस है सर, 20% अमाउंट जो है आप हमारे कंपनी के अकाउंट में डालिए, बाकी का पैसा जब आपके यहाँ मशीन पहुँच जाए तो फिर आपको वहाँ पे डायरेक्ट कैश देकर के मशीन रिसीव करना है, नहीं तो फिर आप जो है भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज जो बिहार के वैशाली जिले महुआ, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीचों बीच पड़ता है, हाजीपुर के निकट, यहाँ आप आ सकते हैं। आने के बाद जो है यहाँ से डायरेक्टली अपने साथ लेके जा सकते हैं, नहीं तो ट्रांसपोर्ट में डलवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको जिनका चाहिए तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करिए, बात करिए और ये बढ़िया सा मशीन अपने घर मंगवा सकते हैं।